न्यूमोकोकस। तो न्यूमोकोकस जो है वो नॉर्मल कॉमनेल्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी, मतलब ये क्या है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। दे काजेस निमोनिया एंड ओटाइटिस इन द चिल्ड्रंस, बच्चों का निमोनिया और मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन करा रहा है। फीचर्स जो है इसके निमोकोकाई की, ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव, दे आर स्लाइटली इलोंगेटेड, थोड़ा स्लाइटली इलोंगेटेड है। इसका डायमीटर क्या है, 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ग्राम पॉजिटिव। दो एंड होते हैं, वन ब्रॉड होता है और अदर कैसा होता है, इसका पॉइंटेड रहता है। एक हिस्सा इसका चौड़ा होता है, एक हिस्सा इसका पॉइंटेड होता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग, तो इसमें कैप्सूल पाया जाता है, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, ग्राम पॉजिटिव है। दो एंड होते हैं, एक ब्रॉड होता है, एक पॉइंटेड होता है, स्लाइटली इलोंगेटेड है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है, स्मॉल 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, स्लाइटली इलोंगेटेड कोकाई है, कैप्सुलेटेड रहता है। यूजली द कैप्सूल इज लॉस्ट, दे आर नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग। ठीक है, न्यूमोकोकाई जो है इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड उसके बेस पे इसको कल्चर किया जाता है, जैसे कि इनरीज्ड मीडिया में इसको कल्चर किया जाता है। इनरीज्ड मीडिया एक सॉलिड मीडिया है जिसमें इसको ग्रोथ कराई जाती है, तो ब्लड के साथ सस्पेंडेड करके। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ 37 डिग्री सेल्सियस इसको रिक्वायर रहता है, pH 7.8 चाहिए इसको, और 37 डिग्री सेल्सियस या 25 to 42 डिग्री सेल्सियस इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। शेप क्या है इसका, डोम शेप का है। फिर कॉलोनीज कैसी है, तो न्यूमोकोकाई जो है वो अल्फा हेमोलाइटिक होता है, बट अंडर द एनरोबिक कंडीशन में वो बीटा हेमोलाइटिक बनता है। अल्फा हेमोलाइटिक मतलब पार्सियली क्या होता है, RBC का लाइसिस होता है, और बीटा हेमोलाइटिक में क्या, कंप्लीट लाइसिस होता है। इसलिए वहाँ पे कलरलेस, मतलब वहाँ पे अपन को डिसकलरेशन कलरलेस देखने को मिलेगा, और जो इधर अल्फा हेमोलाइटिक में ग्रीनिश डिसकलरेशन देखने को मिला। बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो न्यूमोकोकाई जो है वो सेवरल शुगर को फर्मेंट कर देते हैं और प्रोड्यूस ऑफ एसिड ओनली। ठीक है, तो एसिड ऑन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोल्यूबल इन बॉयल, ये जो बाइल है बाइल में सोल्यूबल होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें स्ट्रेप्टोकोकाई की, बाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट इसीलिए इसके लिए लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, न्यूमोकोकाई को स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफ्रेंशिएट करने में काम में आता है। रेजिस्टेंस, तो न्यूमोकोकाई जो होते हैं 52 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, वेनोमाइसिन, इनके प्रति सेंसिटिव है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, इसमें कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड मोस्ट इम्पोर्टेंटली। कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में क्या होता है कि ये टाइप स्पेसिफिक होता है। कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड जो होता है वो टिश्यू में सोल्यूबल होता है एंड कल्चर फ्लूड में सोल्यूबल होता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड सोल्यूबल स्पेसिफिक सबस्टेंस, सोल्यूबल स्पेसिफिक सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड। तो टाइप जो है इसके, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, 90 टाइप्स में कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड के बेस पर डिवाइड किया है। एम प्रोटीन, तो कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ न्यूमोनिया के लिए अलग अलग एम प्रोटीन होते हैं, और सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट, तो इसको सी सबस्टेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूमोकोकाई कंटेनर स्पीसीज स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, इसमें कार्बोहाइड्रेट एंटीजन जो है वो सेल वॉल में पाया जा रहा है, वो सी सबस्टेंस के नाम जाना जाता है। तो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट एंटीजन विच सी सबस्टेंस के नाम से जाना जाता है। वेरिएशन, न्यूमोकोकाई जो है वो वायरुलेंट इन कैप्सुलेटेड फॉर्म, जब भी ये कैप्सुलेटेड रहेगा तो ये वायरुलेंट है, यानी इन्फेक्शन कॉज कराएगा, डेंजरस है। रफ न्यूमोकोकाई जो है वो ऑफ वन सेरोटाइप मेड टू प्रोड्यूस कैप्सूल ऑफ डिफरेंट सेरोटाइप, वही कि अगर अपन बात करें न्यूमोकोकाई की, तो उसका एक सीरोटाइप अलग अलग टाइप के भी, मतलब डिफ्यूज डिफरेंट डिफरेंट सीरोटाइप टाइप के कैप्सूल प्रोड्यूस हो जाते हैं। टॉक्सिन मतलब अलग अलग रहते हैं उनके कैप्सूल्स, उन्हीं के बेस पे वायरुलेंसी रहती है, यानी कि वो कितना अपने उसको क्या करेगा, इन्फेक्शन काज कराएगा। टॉक्सिन जो है तो न्यूमोकोकाई में O2 लेबाइल, इंट्रासेलुलर हिमोलाइसिन एंड ल्यूकोसाइडिन, तो ल्यूकोसाइडिन और हिमोलाइसिन ये दो इंट्रासेलुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। न्यूमोलाइसिन जो है वो वायरुलेंस फैक्टर होता है पैथोजेनेसिस, तो इसमें लोबर निमोनिया करा रहा है। लोबर निमोनिया या इसमें क्या होता है कि निमोनिया रिजल्ट ओनली व्हेन द
जनरल रेजिस्टेंस इज लोअर, ये निमोनिया तभी हो रहा है जब रेजिस्टेंस कम है, इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। कम कॉमन इन्फेक्शन टाइप स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के कारण होता है। ब्रोंको निमोनिया तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी इन्फेक्शन फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल इन्फेक्शन है तो उसके बाद ही ब्रोंको निमोनिया हो जाता है। एनी टाइप ऑफ द निमोनिया प्रोड्यूस ब्रोंको निमोनिया, वही कि हर टाइप के निमोनिया अगर किसी भी तो हो आगे चल के ब्रोंको निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। मेनिंजाइटिस मोस्ट सीरियस ऑफ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल के कारण मेनिंजाइटिस हो रहा है। दिस इज कॉमन इन चिल्ड्रंस, स्प्रेड फ्रॉम फेरिंग्स टू मेनिंजेस, फेरिंग से मेनिंजेस में ब्लड के थ्रू फैल जाती है। अदर इन्फेक्शन काज कर रहा है जैसे न्यूमोकोकल में प्रोड्यूस इम्फाइसिमा, पेरिकार्डाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस यानी मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन, साइनोसाइटिस करा रहा है। उसके बाद एम्पेमिया मतलब पस फॉर्मेशन। एपिडेमियोलॉजी यानी कि न्यूमोकोकाई जो है वो इनहेलेशन के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, और कंटामिनेटेड डस्ट हुई, ड्रोपलेट्स हुई, ड्रोपलेट न्यूक्लियाई हुए, उनसे ये फैल रहा है। लोबर निमोनिया इज यूजली स्पोरोडिक डिसीज, लोअर निमोनिया स्पोरोडिक डिसीज है बट एपिडेमिक में आकर, एपिडेमिक भी हो सकती है महामारी। लेब डायग्नोसिस, स्पेसमैन जो है वो उसके लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा पड़ेगा CSF, प्लूरल एक्सुडेट हो गया, स्पूटम थूक ले लिया, इन सब का सैंपल कलेक्शन करके ब्लड ले लो, इनको कलेक्ट करना है ठीक है। साइट ऑफ इन्फेक्शन से कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, तो ऑल द स्पेसमैन शुड बी कलेक्ट इन स्टराइल कंटेनर में, इनको कलेक्ट करना है और अंडर ऑल सेप्टिक कंडीशन ठीक है। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं या एंटीजन डिटेक्शन। तो इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस अपन को क्या करना है कि डायग्नोसिस बनाना है, प्रेजम्पटिव डायग्नोसिस, तो उसके लिए अपन को ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई दिखेंगे तो उससे भी डायग्नोसिस बना सकते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करके एंटीजन डिटेक्शन से। कल्चर में 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, तो ब्लड अगार में इसको कल्चर करते हैं। स्टेनिंग, न्यूमोकोकाई जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन, इंसुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट और बायोसोलिबिलिटी टेस्ट। एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी की बात करें तो स्पेशली यूज इन स्टेन विच आर रेजिस्टेंट, जो रेजिस्टेंट होते हैं उनके प्रति एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। निमोनिया के लिए थेराप्स जो है होम्योपैथी में एकोनाइटिम, निपेलस, एपासल, फार्सनिकम एल्बम, डिजिटालिस, एपिकाक, ब्रायोनिया, फेरामफोस, काली म्यूर, फॉस्फोरस, आयोडाइनम, लाइकोपोडियम। न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई में कुछ डिफरेंस है, तो न्यूमोकोकाई जो होता है वो अभी पढ़ा कैप्सुलेटेड होता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकाई कल पढ़ा था वो नॉन कैप्सुलेटेड। न्यूमोकोकाई जो होता है फ्लैम से डिप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो ओवल होते हैं। न्यूमोकोकाई जो है वो इसमें क्यूलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई में क्यूलिंग टेस्ट नेगेटिव। कॉलोनीज जो है वो डोम सेप की रहती है तो न्यूमोकोकाई, और अगर बाद में डोम सेप से कैसे बन गई, ड्रॉक्समैन कॉलोनीज बन गई, तो वो अलग थोड़ा चेंज हो गया उनका सेप, लेकिन ये डोम सेप की अगर हो तो स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रोथ इन लिक्विड मीडिया, सो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, लिक्विड मीडिया में टर्बिडिटी यूनिफॉर्म है तो न्यूमोकोकस, और ग्रेनुलर ग्रेनुल्स के फॉर्म में मेलापन दिखे तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई। बायोसोलिबिलिटी टेस्ट न्यूमोकोकाई के लिए पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए नेगेटिव। इंसुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट न्यूमोकोकस के लिए पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है स्ट्रेप्टोकोकाई के। ऑप्टिशन सेंसिटिव यहाँ पे पॉजिटिव रहता है न्यूमोकोकाई, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई नेगेटिव रहता है। और इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलेशन इन माइस ब्रिंग फेटल इन्फेक्शन, अगर माइस चूहे के अंदर इंट्रापेरिटोनियल इन्फेक्शन करा देंगे तो उसके लिए फेटल हो जाएगा, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन पैथोजेनिक होता है।